फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ और एक नए वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो वोटिंग मशीन होती है उसका जो है चुनाव चिन्ह वगैरह जो बने होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को जब मतदान कराना होता है तो इसको जो है छपवा करके अपना चुनाव चिन्ह उनको दिखाया जाता है और बोला जाता है कि इस तरह से आप बटन दबाना है आपको। तो इसीलिए जो है इसको मैंने बनाया हुआ है और अभी आने वाले चुनाव में एक बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए आप जो है इसको अपने फोटोशॉप या कोरल ड्रा में भी डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी तो हमने कोरल ड्रा में यहाँ पे किया हुआ है डिजाइन इसको, तो आप भी कर सकते हैं। आपका जो भी ग्राम सभा लगता हो, जो भी आपका चुनाव चिन्ह है, आप यहाँ पे इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो है इसको बना दिया है। तो ये कैसे बनाया, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ से। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। तो अभी जो है हमने यहाँ पे एक बॉक्स लेना है, रेक्टेंगल बॉक्स लेना है। तो डबल क्लिक कर दिया, मैं ये रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे आ गया है। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटरेक्टिव फिल टूल, इसका शॉर्टकट की है जी। तो आप यहाँ से इसको फिल करिए, उसके बाद में यहाँ पे एक और कलर बॉक्स ऐड करिए डबल क्लिक करके। उसके बाद में यहाँ पे वाइट कलर डालिए एक बार क्लिक करके, और यहाँ पे जो ब्लैक वाली एरिया जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा ये वाला कलर डाल लेते हैं, और उसके बाद ये जो सबसे नीचे है इसमें हम क्लिक करके डालते हैं ग्रीन, ठीक है, हल्का सा ग्रीन कलर डालते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे वाइट रख देंगे इतना, और ये ग्रीन वाला भी यहाँ नीचे को खींच देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे और इसको नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे रेड। उसके बाद एक हमको लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे बेसिक फ्री हैंड टूल मिल जाता है, आप फ्री हैंड टूल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कंट्रोल के साथ एक जो है यहाँ पे लाइन सीधी सीधी ड्रॉ करते हैं, और इसकी आउटलाइन जो है यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। 1 पॉइंट करने के बाद में इसको जो है कंट्रोल की सहायता से इसको नीचे लेके आए और राइट क्लिक कर दें। उसके बाद ये डुप्लीकेट हो जाती है, फिर कंट्रोल आर करते जाएँ तो ये रिपीट होती जाएगी, ठीक है। इसको नीचे वाली डिलीट करके और इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, सेम साइज यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद एक इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे रोटेट हो जाती है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और छोटा करने के बाद कुछ इस साइज का हम यहाँ पर बना लेता हूँ, ओके। इसमें हम डालेंगे सीरियल नंबर, कैंडिडेट का सीरियल नंबर, और अब इसको भी सेम उसी तरह से डुप्लीकेट करके कंट्रोल के साथ करें तो आप इसको बराबर कर पाएंगे, और इसको कंट्रोल आर कर दें, रिपीट हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा चुनाव चिन्ह का इंडिकेटर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका चुनाव चिन्ह, यहाँ पे हो जाएगा प्रत्याशी का नाम, और यहाँ पे हो जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसको सारे को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ये जो है थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेता हूँ इतना, और ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो मेन प्रत्याशी है उसका नाम यहाँ पे बड़ा बड़ा आना चाहिए, ठीक है। और ये जो एरो है, एरो आप यहाँ से लगा सकते हैं, एरो ऐसे खींच दिया, कंट्रोल के साथ खींचेंगे तो इस तरह से ये बराबर आएगा,
लेकिन आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरो यहाँ पे बना दिया इस तरह से, और उसके बाद ये वाला बॉक्स बनाना है। तो ये बॉक्स बनाने के लिए आप ऐसे करें, और यहाँ पे जो है 15 50 एंटर, देन इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, कोई कलर फिल कर देते हैं इसमें, और इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं, इसको जूम करके देखते हैं। ओके, इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से ये बन गया है। और उसके बाद में चुनाव चिन्ह आप भी डाल सकते हैं, चुनाव चिन्ह कार हो या आपका जो भी चुनाव चिन्ह हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको सारा ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, बाकी तो बना के आपको बता ही दिया है। तो अभी मैंने इसको डुप्लीकेट यहाँ पे कॉपी कर लिया, और उसके बाद में आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, इसका जो है डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं। थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दें इस तरह से। ठीक है, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये वाला जो चुनाव चिन्ह है आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना नाम भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इसको नाम को छोटा कर दें यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, तो ये जो है यहाँ पे सेम टू सेम बन गया। अब यहाँ से ये भी जो है उठा के यहाँ कॉपी कर सकते हैं इस तरह से। अभी यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बना सकते हैं और मतदाता को जागरूक कर सकते हैं कि आप इसी तरह से यहाँ पे आपको बटन दबाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, आप भी बनाएं, प्रैक्टिस करें, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए घंटी को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और इसका जो CTR फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने मन मुताबिक एडिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।